नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचेंगे। 10 जून को रानीडीहा में बने नवनिर्मित भाजपा कार्यालय के भवन का लोकार्पण भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसके अलावा विकास कार्यों का निरीक्षण भी सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। तो आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से अपने दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंच रहे हैं। दौरान वो पहले रानीडीहा में बने नवनिर्मित भाजपा कार्यालय का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही वो विकास कार्यों का निरीक्षण करते हुए भी नजर आएंगे। तो आपको बताते चले कि अब सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर यानी कि अपने गढ़ में नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। वहीं लगातार जो है जो पुलिस है वो पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है, अलर्ट मोड पर एक्टिव हो चुकी है। तो वहीं आपको बताते चले कि दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं आपको बता दें कि 10 जून को रानीडीहा में बने नवनिर्मित भाजपा कार्यालय के भवन का सीएम योगी आदित्यनाथ लोकार्पण करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गोरखपुर से हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं। हिमांशु, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर पहुंच रहे हैं, तो क्या कुछ इस दौरान खास देखने को मिलेगा? हिमांशु, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही, हम आपसे दोबारा संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। तो खबर एक बड़ी इस वक्त गोरखपुर से सामने आ रही है, जहां कल यानी कि 10 तारीख को रानीडीहा में बने नवनिर्मित कार्यालय का सीएम योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे। वहीं आपको बताते चले कि सूबे कि सत्ता की कमान दूसरी बार अपने हाथों में लेने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल के शुरुआत में ही बता दिया था कि वो आम जनता का विकास करेंगे, हर तबके का विकास उनके कार्यकाल में होगा। यही वजह है कि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ अपने जनपद के साथ ही कई अन्य जनपदों में भी जब भी कभी दौरे पर पहुंचते हैं तो वहां पर वो विकास कार्यों का निरीक्षण करते हुए नजर आते हैं। एक बार फिर इस खबर पर हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, मेरा प्रश्न आपसे था कि सीएम योगी आदित्यनाथ कल यानी कि 10 को एक बार फिर गोरखपुर यानी कि अपने जनपद पहुंच रहे हैं, तो क्या कुछ खास इस दौरान देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, गोरखपुर आज 4:30 बजे के आसपास योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच जाएंगे और ऐसे में एयरपोर्ट से सीधे रानीडीहा पहुंचेंगे, जहां भाजपा इकाई का जो निर्मित भवन बन रहा है उसकी तैयारियों का जायजा लेंगे। उसके बाद वहां से गोरखनाथ मंदिर रवाना होंगे, जहां गुरु गोरखनाथ की पूजा आराधना करेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। इसके साथ अधिकारियों से कई विषयों पर जो है चर्चा भी करेंगे, उनसे जो है बैठक करेंगे और उस प्रातः जड़ता दर्शन का एक कार्यक्रम करेंगे, जिसमें 700 से 800 की संख्या में लोग उपस्थित होंगे और अपनी अपनी समस्याओं को रखेंगे। फिर रानीडीहा पहुंचेंगे, जहां जेपी नड्डा जो है उनके साथ रहेंगे और भाजपा की क्षेत्रीय इकाई का जो है कार्यालय नवनिर्मित भवन जो है उसका जो है लोकार्पण किया जाएगा। हिमांशु, अभी आपने बताया कि इस दौरान जेपी नड्डा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे, तो क्या ये माना जाए कि योगी के साथ साथ जेपी नड्डा भी दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंच रहे हैं? जेपी नड्डा का कार्यक्रम है वो कल गोरखपुर में आएंगे, हालांकि योगी आदित्यनाथ आज 4:30 बजे ही पहुंच जाएंगे आसपास, 4:30 बजे के आसपास, और सीधे रानीडीहा पहुंचेंगे। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने रानीडीहा पे क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें मुस्कान की रानीडीहा पे जितने भी आसपास जमीन पे गड्ढे थे उन सबको भर दिया गया है, रोटो की पैचिंग कर दी गई है, पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है, शासन प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है, पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के अधिकारी एकदम लगे हुए हैं, क्योंकि VIP कार्यक्रम है और भाजपा कार्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण होना है, ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी साथ में रहेंगे, तो पूरी तरह से प्रशासन जो है तैयारी कर रखा है। पुलिस जो है आलाकमान उसका SSP से लेकर DM तक सभी लोग वहां मौजूद रहेंगे, पूरी तरह से जायजा लिया जा रहा है और ड्रोन के जरिए भी उसको नजर रखी जा रही है और प्रशासन जो LIU टीम को भी लगाया हुआ है।
कि किसी तरह की किसी कोई ऐसी घटना ना हो जिससे जैसे कानपुर को लेकर के पूरी तरह से प्रशासन सतर्क हो चुका है। हिमांशु, अगर देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर पहुंचते हैं तो वो जनता दरबार जरूर लगाते हैं और इस बार भी शायद वो जनता दरबार लगाएंगे, तो ये समय तकरीबन कितने बजे का तय किया गया है? मुस्कान, बता दें कि रानी डिहा से निकलने के बाद गोरखनाथ पहुंचेंगे, विश्राम करेंगे, लेकिन प्रातः 8:30-8:30 बजे के आसपास जनता दर्शन का एक कार्यक्रम किया जाएगा। 8:30 बजे से लेकर के जनता दर्शन का कार्यक्रम 10 बजे के आसपास चलेगा और ऐसे में 700 से 800 की संख्या में लोग पहुंचेंगे और अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि जनता दर्शन के कार्यक्रम में रखा जाता है जब सीएम योगी आदित्यनाथ गृह जनपद गोरखपुर में होते हैं। मंदिर में जो जिम्मेदार होते हैं, जितने भी इच्छुक होते हैं, जिनको कोई समस्या होती है, ऐसे लोग वहां पे भारी संख्या में अपने अपने एप्लीकेशन को लेके पहुंचते हैं, अपनी बातों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखते हैं। और साथ में ही बता दें कि योगी आदित्यनाथ जब दर्शन कार्यक्रम करते हैं जनता दर्शन का, तो ऐसे में उनके साथ जिला अधिकारी SSP के साथ साथ कमिश्नर और ADG भी मौजूद होते हैं, क्योंकि जोन से भी लोग आते हैं तो बड़ी संख्या में बड़े अधिकारियों से बात करना होता है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अधिकारियों को आदेश देना होता है, तो ऐसे में ADG और कमिश्नर स्तर के अधिकारी भी वहां पे मौजूद होते हैं। हिमांशु, ये तो रही जनता दरबार की बात, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अगर सीएम योगी जब जब गोरखपुर पहुंचते हैं तो वो विकास कार्यों का निरीक्षण भी जरूर करते हुए नजर आते हैं और ये भी देखते हैं कि आखिर जो विकास कार्य है वो कितनी तेजी से हो रहा है, तो इस बार भी सीएम योगी कौन कौन से ऐसे कार्य है जिनका निरीक्षण करने और जायजा लेने पहुंचेंगे? इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ इस चीज का जायजा लेंगे, चूंकि गोरखपुर में GDA को भी आदेश दिया गया है कि यहाँ पे पर्यटन के अवसर को तलाशा जाए और इसमें जो है चाहे तारामंडल हो जाए, विनोद बन हो जाए, नौका विहार आपका है और क्या कहते हैं, अन्य गोरखनाथ मंदिर, गीता प्रेस, गोरखनाथ मंदिर, गीता वाटिका, ऐसी जगहों को तलाशा जा रहा है। इसमें सांसद रवि किशन की भी सहायता ली जाएगी, उनसे पूछा जाएगा कि किन किन जगहों पर किस तरीके से सूचना कार्य करके फिल्म की शूटिंग किया जा सकता है। यानी कि ये कहा जाए हिमांशु कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल में गोरखपुर का कायाकल्प पूरी तरह से करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, पूरी तरह से गोरखपुर का कायाकल्प किया जा रहा है, सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और अवसर तराशे जा रहे हैं, किस तरह से यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, किस तरीके से रोजगार को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए GDA की भी एक बात कर दें तो GDA को भी आदेशित किया हुआ है और कल ही उसका खाका तैयार किया जा रहा है कि किस तरीके से उस पर प्लाट तैयार करने है, फैक्ट्री तैयार करनी है, तो उसके लिए प्लाटिंग भी करना शुरू कर दिया गया है। धन्यवाद हिमांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ कल यानी कि 10 तारीख को पहुंचेंगे, इस दौरान वो जनता दरबार भी लगाते हुए नजर आएंगे और जबकि आपको बता दें कि जब जब सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचते हैं तो वह वहां पे जनता दरबार अक्सर लगाते हुए नजर आते हैं, कुछ ऐसा ही इस बार भी देखने को मिलेगा। कुछ ऐसी ही तस्वीरें कल एक बार फिर गोरखपुर से सामने आएंगी जहां सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को देखेंगे। इस दौरान उनके साथ जो जनपद के तमाम आला अधिकारी हैं, जो पुलिस अधीक्षक हैं, DM है, सभी इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद रहेंगे। कानपुर हिंसा की जांच में हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। हिंसा का मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी का विदेशी फंडिंग कनेक्शन अब सामने आ रहा है। जफर और उसके करीबियों को विदेश से फंडिंग की जा रही थी। पुलिस ने कोर्ट से हयात जफर हाशमी को रिमांड में लेकर पूछताछ करने की भी मांग की है। वहीं जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि विदेशी फंडिंग को लेकर जल्द ही प्रवर्तन निदेशालय भी जांच कर सकता है। साथ ही इस मामले में पुलिस और ATS संयुक्त जांच कर रही है। हालांकि इस पर आधिकारिक तौर पर कोई अफसर अभी कुछ बोलने को तैयार नजर नहीं आ रहा है और ये भी जानकारी मिली है कि इन्हीं खातों में जो बीते साल लखनऊ में CAA और NRC का विरोध हुआ था, उस दौरान भी इन्हीं खातों में विदेशों से फंडिंग की गई थी। तो कानपुर हिंसा में लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो दंगाइयों के खिलाफ नकेल कसती हुई नजर आ रही है। जहां बीते दिनों पुलिस द्वारा कानपुर के जनपद में सभी चौक चौराहों पर जो दंगाई है उनके पोस्टर जारी किए गए थे, तो वहीं अब पुलिस द्वारा जो संवेदनशील इलाके हैं कानपुर के, वहां ड्रोन से निगरानी की जा रही है। लेकिन इस जांच में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है, नए खुलासे लगातार होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इस मामले में एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि इस कांड को लेकर जो पूरी फंडिंग की गई थी उसमें अब विदेशी तार भी पूरी तरह से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही अब ये भी खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि इन्हीं खातों में बीते साल जो CAA और NRC का विरोध लखनऊ में देखने को मिला था, उस दौरान भी इसी खातों में विदेशों से ही फंडिंग की गई थी।
वही अगर देखा जाए तो इस मामले पर कुछ भी अधिकारी अभी कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि अभी मीडिया में कुछ भी अधिकारी बोलने से कतराते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही अगर ये भी कहा जाए तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है, कई कई ऐसे नामचीन हस्तियों के भी नाम इसमें शुमार होने की खबरें सामने आ रही है, लेकिन बात वही है कि अभी अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने से कतराते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कानपुर से हमारे संवाददाता उपेंद्र अस्थाना जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, कानपुर में हुई हिंसा को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है, लगातार दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो अभी तक क्या कुछ अपडेट है आपके पास और अन्य क्या निर्देश दिए गए या और अन्य क्या एक्शन पुलिस द्वारा लिया गया? जी आपको बता चले कि मुस्कान सिंह कानपुर में जो सफर हाशमी का जो अकाउंट जो है खंगाला गया है, उसमें जो है करोड़ों रुपए ट्रांजेक्शन है। उसके बाद जो है आपको बताते चले कि जो इनका जो SBI का अकाउंट जो है बाबूपुरवा क्षेत्र में है, बाबूपुरवा SBI में अकाउंट, जिसको ये पैसा जो आता था फंडिंग केवल जो SI से पैसा आता था, SBI से वो पैसा जो है केवल जो है, उसके बावजूद भी आपको बताते चले कि वो पैसा जो है दंगा करने के लिए पैसा दिया जाता था जहाँ प्रदर्शन करना है, विरोध प्रदर्शन करना है। और उसके बाद एक बहुत खास बात सामने और आई है आपको बता चले ये भी कि जो यहाँ पे जो हाथे में निगरानी होनी है वो ड्रोन द्वारा होनी है। और उसके बाद और आपको ये बता चले कि कानपुर में इसको ले करके प्रशासन जो आला अधिकारी जो है बड़े सक्रिय है, और जो कल जो होने वाली जुमे की नमाज है उसको लेकर के प्रशासन जो है काफी अलर्ट है। देखा जाए तो जब अब इस मामले की जांच लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है तो विदेशी फंडिंग की भी इस मुद्दे में खुलासा हो रहा है, लेकिन अगर वही बात की जाए तो CAA और NRC में जब विरोध प्रदर्शन हुआ था तो भी इन्हीं अकाउंट में फंडिंग की गई थी, तो आखिर पुलिस द्वारा उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई जब CAA और NRC का मुद्दा बड़ा बनकर उभरा था? जी हाँ, आप बिल्कुल, आपको कहना बिल्कुल मुस्कान सही है। तो आपको बताते चले जो जो ये जफर आसमी है, ये इसका जो पैसा फंडिंग होती थी बात होती थी विदेशों से फंडिंग होती थी इसको लेकर के, और आज जो है ED ने तलब किया है कि ED भी मामले की पूरी जांच करेगी। और उसके बाद आपको यही बताते चले कि जो ये कहते हैं कि इसमें जो समाजवादी पार्टी के जो कानपुर के वर्तमान के 3 जो विधायक हैं, वो विधायक कल कमिश्नर से मिले, उन्होंने बताया कि कमिश्नर को कि जो ऐसा है कि जो लोग निर्दोष लोग हैं उनको जो है उनको परेशान ना किया जाए, उनको छोड़ा जाए। और पुलिस के ऊपर एक निशान उठता हुआ नजर आ रहा है कि अगर देखा जाए तो जो अवैध वसूली का नाम आ रहा है कि पुलिस उनको उठाकर पूछताछ करके और पैसा लेकर छोड़ रही है, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन उपेंद्र, अगर देखा जाए तो जो सपा के कार्यकर्ता है जिन्होंने कल DM से मुलाकात की है, वो पुलिस की कार्रवाई पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस मामले में जो दंगाई है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जी हाँ बिल्कुल, आपको सही कहना है। अगर देखा जाए तो एक 5 जून वाला जो पोस्टर, जो वर्कआउट बयान वाला पोस्टर था, वो छापने वाला पोस्टर जो प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है उसको 120B के तहत जो जेल भेज देगा था। और यही जफर आसमी का जो मामला होना था, हिंसा कानपुर वाली होनी थी, इसको लेकर के देखा जाए तो ASP अनवरगंज जो है इन्वॉल्व थे। अभी तक ASP में कार्रवाई क्यों नहीं हुई और क्यों नहीं चौकी जाल पकड़ पाई हुई, क्यों नहीं पटर पर कार्रवाई हो रही है? उपेंद्र, इस वक्त जहां पर ये दंगा हुआ था उस वक्त वहां की स्थिति अभी इस वक्त कैसी बताई जा रही है, क्या है या वहां की स्थिति अभी? जी देखा तो अब स्थिति समान है, पर जो लगातार जो है अजय पाल सिंह शर्मा जो SP आए हुए कानपुर, वो जो है मॉनिटरिंग करते जा रहे हैं, उनके साथ जो है 2 SP और भी आए हुए कानपुर में, और देखा है तो बराबर गश्ती चालू हो रही है, ड्रोन से निगरानियां की जा रही है, क्योंकि कल जुमे की नमाज है और यहाँ पे धारा 144 जो है वो लागू है। उपेंद्र, इस वक्त ये भी खबर निकल के सामने आ रही है कि पुलिस द्वारा जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है, तो पुलिस द्वारा ऐसे कौन से इलाके चिन्हित किए गए हैं जहां पर इस वक्त निगरानी की जा रही है ड्रोन के जरिए? जी दादा मियां का बाजार, यतीम खाना, चंदेश्वर हाता और जस्ट बगल में मूलगंज चौराहे के पास जो है चारों तरफ से जो है हाते की जो है वो बिल्कुल ड्रोन द्वारा बिल्कुल जाँच की जा रही है। धन्यवाद उपेंद्र इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बड़ी खबर इस वक्त कानपुर हिंसा मामले से जुड़ी सामने आ रही थी, जहां जोहर फैंस के जो करीबी हैं उनकी विदेशी फंडिंग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हमारे देश में डॉक्टर्स को भगवान का रूप माना जाता है, क्योंकि जब कोई जिंदगी और मौत से लड़ रहा होता है तो भगवान के बाद डॉक्टर ही उसके जीवन को बचाते हैं। लेकिन संबल में नियम कानून को ताक पर रखकर चला रहे जिला अस्पताल में माफी चाहूंगी चला रहे अस्पताल में बिना डिग्री के डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। बिना डिग्री के सैकड़ों डॉक्टर बड़े बड़े अस्पताल खोलकर लोगों की जिंदगी छीनने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही
एक ऐसा ही मामला जिले के जोया मार्ग पर मंदाला अस्पताल से सामने आया, जहां पर कोई डिग्री नहीं है, बिना पढ़े लोग कम पैसों के लालच में अपनों का इलाज करने के लिए इन अस्पतालों में जा रहे हैं। अवैध अस्पतालों और फर्जी डॉक्टरों को लेकर हेल्थ अधिकारी मनोज कुमार का कहना है कि हम लगातार अवैध अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। तो एक बड़ी खबर इस वक्त संभल से आ रही है, जहां फर्जी डॉक्टरों का जिले में बोलबाला देखने को मिला। इस दौरान बिना डिग्री, बिना किसी प्रैक्टिस के जो डॉक्टर्स है वो मरीजों का इलाज करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि मरीज है वो भी लगातार उनके परिजनों द्वारा मरीजों को इन अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। जबकि अगर भारत की बात करी जाए तो यहाँ पर डॉक्टर्स को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन अगर डॉक्टर्स ही इतनी बड़ी लापरवाही करेंगे, अगर डॉक्टर्स ही मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करेंगे, तो आखिर मरीज कहाँ जाकर इलाज कराए और किसका दरवाजा खटखटाए, एक बड़ा प्रश्न इस मामले में निकलकर सामने आ रहा है। अभियान चलाया गया था अभी हमारी तरफ से, पूरे जनपद में ये अभियान चला, तो उस अभियान में लगभग 50 लोगों के खिलाफ FIR हुई विभिन्न थाना क्षेत्रों में, अलग अलग, कहीं ज़्यादा हुई कहीं कम हुई। तो ये अभियान अब लगातार चलता रहेगा। अब DM साहब ने ये भी निर्देश दिए हैं कि अगर कहीं मौत होती है तो उस पर 304 की धारा भी लगाया जाए। प्लस उनका ये भी कहना है कि जो इस तरीके के कुछ ऐसी जगह भी मतलब थी जो एक बार बंद होने के बाद सील हो गई, मुकदमा चल रहा है, उन्होंने जमानत पे आए दोबारा से फिर इस काम को शुरू कर दिया, तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर। खबर इस वक्त संभल से सामने आ रही है, जहां फर्जी डॉक्टरों का जिले में बोलबाला देखने को मिला। इस दौरान फर्जी डॉक्टर्स बिना डिग्री और बिना किसी प्रैक्टिस के मरीजों की जान से खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं, जिनके पास ना तो कोई डिग्री है, जबकि बिना पढ़े लिखे लोग कम पैसे के लालच में आकर अपने परिजनों का इलाज कराने के लिए उनको इसी अस्पताल में भर्ती कराते हैं। वहीं इस मामले को लेकर अगर हेल्थ अधिकारी मनोज कुमार की बात सुनी जाए तो उन्होंने कहा कि वो लगातार अवैध अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर फर्जी हॉस्पिटल्स अगर इसी तरह से संचालित किए जाएंगे तो आखिर जो मरीज हैं उनकी जान की रखवाली कौन करेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संभल से हमारे संवाददाता मुबारक अली जुड़ चुके हैं। संभल, अगर अब देखा जाए संभल में तो इस वक्त जो अवैध अस्पताल है उनका बोलबाला नजर आ रहा है, तो ये किस अस्पताल का मामला निकलकर सामने आया है? मुबारक, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मुबारक, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि संभल में इस वक्त देखा जाए तो जो अवैध अस्पताल है और जो फर्जी डॉक्टर्स है उनका बोलबाला देखने को मिल रहा है, तो अब ये ताजा मामला किस अस्पताल का बताया जा रहा है? आपको बता दूं, जनपद संभल के असमोली क्षेत्र में जो मंदाला गांव पड़ता है उसमें झोला छाप डॉक्टर की दुकान चल रही है और क्लिनिक चल रहा है, और उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और पूरे जिले भर में ये पूरा गोरख धंधा पूरा चल रहा है और अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है इस पर, और डीएम ने डीएम के सख्त आदेश हैं इस मामले को लेकर, और कोई और डीएम साहब के आदेश की डज्जियां उड़ाई जा रही है पूरे जिले में, और कई बार मामले ऐसे सामने आए हैं। बीते दिन पहले महिला की मौत हो गई थी थाना यात्रा मजफ्तपुर के गांव में, और दूसरी तरफ बैजोई थाना क्षेत्र में दो महिलाओं की मौत हो चुकी है और अभी तक इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। मुबारक, अगर देखा जाए तो लोगों की लगातार मौत हो रही है फर्जी डॉक्टरों के इलाज को लेकर, तो अभी तक कोई कठोर कदम क्यों नहीं उठाया गया? आखिर क्यों मरीजों की जान से खिलवाड़ करवाया जा रहा है? सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है, और इसमें स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, और स्वास्थ्य विभाग की मिली भगत से ये चलते हैं, और इनके अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है इनके। संभल, अगर देखा जाए संभल में तो लगातार आपने बताया कि कई जो ऐसे मरीज हैं जिनकी मौत हो चुकी है, और अगर वहीं देखा जाए तो जो प्रदेश के उप जो मुख्यमंत्री है बृजेश पाठक, साथ ही वो स्वास्थ्य मंत्रालय भी संभाले हुए हैं, वो लगातार कई जनपदों में जाकर जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उनका निरीक्षण करते हैं, तो आखिर इतनी बड़ी लापरवाही संभल में क्यों हो रही है? योगी सरकार जो लगातार जो काम जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, और भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, और योगी सरकार के सख्त आदेश हैं, और जो फर्जीवाड़े हैं जो इनपे सख्त कार्रवाई हो गए, और डीएम साहब ने इससे पहले भी एक बयान में बताया है इनके जो झोला छाप डॉक्टर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी होनी चाहिए, और बीते दिन पहले भी एक डॉक्टर पर बड़ी कार्रवाई की गई है, उसके जेल की सलाखों में डाल दिया गया है।
लेकिन मुबारक अगर देखा जाए तो जो हेल्थ अधिकारी हैं मनोज कुमार, उनका कहना है कि वो लगातार अवैध अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, तो अगर कार्रवाई की जा रही है तो आखिर ऐसे मामले निकल कर फिर कैसे सामने आ रहे हैं? ये फॉर्मेलिटी पूरी करी जा रही है, मनोज चौधरी का ये कहना है, जो फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है, जो फॉर्मेलिटी करी जा रही है उसके बाद आप जी के सीज कर दिए जाएंगे। सीज करने के बाद में 15 दिन बाद या 20 दिन बाद में फिर चालू हो दिए जाएंगे, और जो सेंटर जो चल रहे हैं इसके अल्ट्रासाउंड सेंटर चल रहे हैं, उनके कई मामले सामने आ रहे हैं। पूरे जिले भर में धड़क के सब ये सेंटर चल रहे हैं, इनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुबारक अगर देखा जाए तो इस तरह से अगर लापरवाही सामने आ रही है तो मरीजों की मौत का जिम्मेदार आखिर फिर किसे ठहराया जाए? मुबारक, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? धन्यवाद मुबारक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबर संभल से सामने आ रही है जहां एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, जहां फर्जी डॉक्टरों की लापरवाही से, फर्जी डॉक्टरों के इलाज से जो मरीज है उनकी जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो